नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शैली आनंद टॉकीज पर। दोस्तों, शिक्षा एक वो ज्ञान है जिसको देके एक शिक्षक हमारे पेरेंट्स से भी ऊपर का पद हासिल कर लेते हैं, लेकिन आजकल के दौर में शिक्षकों ने इसको प्रोफेशन यानी व्यवसाय बना लिया है। लेकिन आज भी देश में एक गुरु ऐसे हैं जिन्होंने कौटिल्य पंडित जैसे बच्चे को अपनी शिक्षा दी और जिस बच्चे ने देश और विदेश में नाम कमाया। तो दोस्तों, अगर गूगल में जाएं और जिनका मैथमेटिक्स गुरु नाम डाल दें और जिनका केवल और केवल एक ही नाम जो सामने आता है, आज वो बिल्कुल मेरे समक्ष बैठे हुए हैं और मैं लाइव उनके साथ साक्षात्कार करूंगी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आर के श्रीवास्तव जी मेरे बिल्कुल एक भाई जैसे हैं और आज वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और बहुत ही सह सम्मान के साथ मंच पर आर के श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव जी आज शैली आनंद टॉकीज पर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं भैया, हमारी जी आवाज पहुंच पा रही है? ये मेरा सौभाग्य है कि जी गणित के गुरु आर के श्रीवास्तव जी आज हमारे सामने हमारे पेज पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। कौटिल्य पंडित, वो जो बच्चा है उसने केवल देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम कमाया है, थोड़ा सा उसके साथ उसकी उसके बारे में बात करके कि किस तरह, क्या वो नॉर्मल बच्चों की तरह है और बच्चों की तरह है, या उसमें कुछ अलग गुण थे जो कौटिल्य दो और बच्चों से अलग जिसने नाम कमाया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी भैया। जी, मैं आपके चैनल पर जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जी हर बच्चों में एक यूनिक पावर होता है। वंडर किड्स जी वंडर वंडर किड्स वही बच्चे बन पाते हैं जिनमें पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर तीनों का फ्रेंडली रिलेशन होता है। जी 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 कौटिल्य में हकीकत में यूनिक पावर है। उनकी उसकी बहन भी टैलेंटेड है, लेकिन कौटिल्य ने देश के अलावा विदेशों में भी एक ऐसी अपनी प्रतिभा से रूबरू कराया बहुत सारे मंचों पर कि जी ऐसे देखा गया कि छोटे बच्चे भी बड़े लेवल का ज्ञान पा सकते हैं। तो जी उसमें जी कहीं ना जी कहीं ये बचपन के स्टेज में ही होता है, जब माता पिता, जब बच्चा पूछता है कि ये क्या है, उसके बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ देखता है तो पूछता है। हाँ लेकिन हाँ बहुत से ऐसे आंसर्स होते हैं जो माता पिता को ना मालूम, लेकिन कुछ एक्टिव होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके सोल्यूशन ना मालूम होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी से कॉन्टेक्ट करके, गूगल से करके, उस बच्चे हाँ को उसी उम्र में एट टाइम 1 मिनट भी नहीं लगा और उसके आंसर को बताए। तो जैसे ही 3 साल, 4 साल, 5 साल की एज से ही बच्चे को लगा कि मैं जो भी पूछ रहा हूं, मैं मुझे उसका सोल्यूशन एट ए टाइम उसी समय मिल रहा है। तो धीरे धीरे उसके क्वेश्चन पूछने की आदत बढ़ते जाता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करते जाता है। तो मैं एक अच्छा जरूर कहूंगा कि टीचर के अलावा वैसे प्रतिभाओं को आगे ले जाने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छा मैं अच्छा बहुत जी सारे जी मंचों दीदी दीदी मैं बहुत सारे मंचों को देखता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे IIT हो, या मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, या किसी अदर फील्ड हो, जैसे ही बच्चे का रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं कोचिंग टीचर को प्रमोट किया जाता है। जब भी बिल्कुल एग्जैक्टली कोई बच्चा किसी टीचर के पास आकर 2 साल, 3 साल, 4 साल, या मान लीजिए 10th के बाद पढ़ाते, तो कौटिल तो मेरा फेमिलियर है, मैं अदर बच्चों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ कोई हाँ 2 साल, 3 साल पढ़ा तो कहीं ना कहीं माता पिता को लोग विलुप्त कर दे रहा है। सारा श्रेय ओ इंस्टीट्यूशन ले रहा है, सारा श्रेय टीचर ले रहे हैं, जबकि रियल में आखिर हमारे पास हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 पढ़ रहे हैं, 700 पढ़ रहे हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे कोटा है, दिल्ली है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सही लाखों में बात 300 400 बच्चे सेलेक्ट हुए, तो खुलकर बोलिए कि उस बच्चे का टैलेंट और माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, ये सत्य है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो हाँ, ये कौटिल्य सच का हकीकत में यूनिक पावर है। और ऐसे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो 5, 6, 7 में ही 10th के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। 9th में ऐसे बहुत सारे देश में बच्चे हैं जो 11, 12th के भी पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और आने वाला तो दिखाई दे रहा है कि वैसे बच्चों का यदि समूह हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बनेगा, तो एक दिन फिर से
हिंदुस्तान विश्व गुरु पक्का बनेगा। यहाँ पे मेरा एक सवाल है भैया आपसे, कौटिल्य जैसे बच्चों के लिए ही, क्या ये एक्सेप्शनल केस होते हैं? जैसे कौटिल्य की जो शिक्षा की जो पावर थी, क्या आपने उसकी क्षमता को पहचाना था, या ऑलरेडी वो जब आया था पढ़ने तब तभी उसकी क्षमता इतनी थी, उसकी जो विल जो उसकी पढ़ाई की क्षमता थी वो इतनी थी, या आपने उसको पहचाना था? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा 10वीं क्लास के अगर सम्स को सॉल्व करता है तो क्या वो बचपन से था, या उसके गुरु ने उस चीज को पहचाना और उसको और मांझ कर और उसको निखार कर सामने लोगों के आया वो, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, ये देखिए हायर एजुकेशन के लिए तो हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन हाँ। जो 4-5 साल तक जो जीके जीएस जो था, जो जो पहले का कौटिल्य लोगों ने देखा था, वो कौटिल्य वो जिसको पॉपुलैरिटी मिला था उससे कौटिल्य की नॉलेज कई गुना अधिक अब हो चुका है, क्योंकि उस समय बस देखा गया था कि मतलब जीके जीएस ये चाहे किसी भी टॉपिक पर बोलता था, लेकिन अभी कौटिल्य की मैथमेटिकल नॉलेज जबरदस्त है, एस्ट्रोनॉमी पर वो कहीं एक प्रोफेसर की तरह कई घंटों तक किसी भी टॉपिक पर वो लेक्चर दे सकता है। तो अभी का कौटिल्य डिफरेंट हो चुका है, और उसमें पेरेंट्स ने हम लोगों पर विश्वास किया और कहीं से जानकारी होते हुए और एक मौका मिला और उस पर काम कर रहे आज वो स्टूडेंट नहीं एक मेरा फैमिली मेंबर हो चुका है। हाँ ये तो है। अभी आज के जमाने से चलिए, ये तो रही कौटिल्य की बात, आज का जो टाइम है 1.5 साल लगभग 1.25 साल से भैया कोरोना पीरियड चल रहा है इन दिनों, है ना, और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही हैं, सारे ही बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस से लगभग 1.25 साल से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं और इस साल प्रमोट भी हो गए अपनी अगली क्लास में। भैया आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दी जा रही है ये कहीं उनको मतलब ये सक्सेस का एक है या नहीं, कहीं ना कहीं उनको पीछे ले जाएगी? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से पढ़ाई से उनकी पढ़ाई आगे हो सकती है या कहीं ना कहीं वो पीछे जा रहे हैं? जी जी कोरोना तो एक ऑनलाइन शिक्षा का एक ऑप्शन दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर जाने से पहले अभी एक मेरे माइंड में एक टॉपिक आया, जरूर बताइए जी, कि बहुत सारे टैलेंटेड प्रतिभा जो दिखाई दे रहे हैं एक लंबे समय के बाद वो कुछ बड़े लेवल का रिसर्च न देते हुए वो विलुप्त हो जा रहे हैं। मैं ओपन खुलकर क्योंकि एजुकेशन हो, म्यूजिक सेक्टर हो या एथलीट हो, बहुत सारे कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स उस बच्चे को देखकर बनाए हैं, क्योंकि दीदी आप देखते हो जो भी यूनिक प्रतिभा निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या और उससे बिलो कहिए एक यूनिक प्रतिभा निकल रहे हैं, लेकिन एक पीड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को उस फील्ड का उतना नॉलेज ना देकर उनको हर मंथ या पर वीक उनको मंच शेयर करने का जो मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ओ मैं एक यदि एजुकेशन से जोड़िए तो कलाम साहब बनने से दूर हो रहे हैं, म्यूजिक लता दीदी बनने से मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे प्रतिभा दिखाई दे रहे हैं जो छोटी छोटी बच्चियां। अब मुझे कि आप 15 साल का की एक लड़की है, वो अभी मैंने 20 साल की एज तक हो चुकी है, और कहीं ना कहीं वो उसके मान लीजिए कि फेसबुक पर करोड़ों फॉलोअर्स हो, लेकिन आपको लता दीदी तक पहुंचने के लिए उसका अपना टैलेंट था, लेकिन उसको उस म्यूजिक का एजुकेशन उसके माता पिता को चाहिए था दिलाना, लेकिन माता पिता को ये कहा है कि चलिए वो हर मंथ हमको 4-5 लाख कमा कर तो दे रही है, चाहे वो टैलेंटेड बच्चा हो जो भी वंडर किड्स वो भी कमा कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे ही उनका 30 साल 35 साल 40 साल का वो एज हो रहा है तो वंडर बॉय वंडर गर्ल्स ना होकर एक कॉमन स्टूडेंट की तरफ हो जाते हैं, ऐसे देश के आपके बहुत सारे एग्जाम्पल को देखने को मिला होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहीं नहीं मैंने कहीं जगह एक चीज और सुनी है भैया, ये बात मैं आपसे क्योंकि आप तो शिक्षा देते हैं बच्चों को, कि आजकल माता पिता पढ़ाई से ज्यादा ग्लैमर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि मेरे बच्चे का इस फील्ड में ना पढ़ाई में नाम ना हो के ग्लैमर। मैंने कई बच्चों से जैसे पीछे बात भी की थी तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि परफॉर्मेंस जो कि प्रेजेंटेशन जो रियल जो प्रोग्राम्स होते हैं रियलिटी शो होते हैं उसमें जाते हैं वो केवल अपने माता पिता की खुशी के लिए जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों का ये शोषण हो रहा है, उनका बचपन उनका उनका जो बचपन है कहीं ना कहीं उनसे छीना जा रहा है?
वही देखिए, उसमें क्या है कि बच्चे के पास टैलेंट है तभी वो कहीं ना कहीं अपने जो स्वर से लोगों का दिल जीत रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उसको अब माता पिता क्या है कि उसको आगे एजुकेशन नहीं दे पा रहा। मेरा कहना है कि जिस फील्ड में है उसी में आप एजुकेशन दीजिए, लेकिन पेरेंट्स को क्या दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं मेरे पॉकेट मनी का या मेरे घर चलाने का वो इसी उम्र में सोर्स हो गया। तो मैं ये क्या हो रहा है कुछ समय के बाद वो विलुप्त हो जा रहे हैं। आप यदि मान लीजिए उस लेवल के जो भारत रत्न तक या बहुत सारी ऐसे जो कि उनको जुगो जुगो तक, जैसे अब आदरणीय संतोष आनंद जी, जब तक ये संस्कृति भारतीय रहेगी तो उनको कोई भूलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अपनी जो उन्होंने हिंदी पर या काव्य पर उन्होंने लगन के साथ ध्यान दिया और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलता रहेगा, तो एक ये दुख की बात है। और जो सुन रहे होंगे वो दर्शक भी इस चीजों से सहमत होंगे कि ऐसे आप देखिएगा तो बहुत बहुत सारे मंचों पर क्या हो रहे हैं कि 15 साल 17 साल के बच्चे आ रहे हैं, आना अच्छी बात है, लेकिन उसका एजुकेशन और किसी बड़े गुरु के साथ उसको शिक्षा भी दिलवाया गया, लेकिन ऐसा ईगो पावर हो रहा है कि गुरु से ज्यादा फॉलोअर्स तो स्टूडेंट के होंगे तो इसका मतलब बहुत बड़ा ये विद्वान हो गया। फॉलोअर से यदि विद्वता आ जाते हैं, सोचना ही नहीं रहता ऐसा, तो ये दुखद बात। और एक कोरोना वाले पर तो जी 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 तो ये ऑनलाइन शिक्षा से आप भी सहमत नहीं है मेरी तरह? ऑनलाइन शिक्षा पर तो ये है कि भारत की जो आधी से अधिक जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और आप गांवों में देखिएगा तो कहीं ना कहीं या छोटे छोटे शहरों में कि नेट की प्रॉब्लम बहुत अधिक है, उतना अभी हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर पाया है जी। तो इंटीरियर में नेट की प्रॉब्लम बहुत है, बहुत अधिक प्रॉब्लम है। और उन बच्चों का अब कहिए तो एक साल से अधिक समय हो गया, वो तो मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल्स हो या कोई भी चीज हो, अगला क्लास में तो बढ़ गया लेकिन बिल्कुल उसको नॉलेज ग्रोथ नहीं हुआ। अभी ऑनलाइन एजुकेशन जो है उन शहरों के चंद बच्चों के लिए बेनिफिट तो बिल्कुल हुआ, लेकिन फिजिकल जो है सामने टीचर यदि पढ़ाते हैं तो 45 से एक घंटा के क्लास में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है कि अटेंडेंस में आ गया, पेरेंट्स को भी मालूम हो गया कि ऑनलाइन क्लास हो गया और उसके बाद क्लास से आउट हो जा रहा है और पेरेंट्स को भी मालूम नहीं है वो क्लास कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे बिल्कुल ये सच्चाई है। आरके भैया एक बात और मुझे बताइए कि देश में अलग अलग बोर्ड क्यों है, एक साथ शिक्षा की पद्धति क्यों नहीं होती है, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं और क्यों देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड हैं, एक शिक्षा पद्धति कब स्थापित होगी अपने देश में? देखिए यही एक दुर्भाग्य है हमारे, हम लोग छोटे थे तो बहुत सारी सरकार को हम आते देखे तो जो भी गवर्नमेंट आया तो ये बोला कि इस 10 साल के बाद हमारा कंट्री भी विकसित हो जाएगा। बहुत सारे पीएम चले गए लेकिन अभी भी हम लोग विकासशील में, अब कौन सी पीढ़ी इस कंट्री को विकसित देखेगा, ये भी दुर्भाग्य है। क्या रहा है कि बिहार बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, एमपी बोर्ड अलग है, उत्तराखंड अलग है, दिल्ली बोर्ड अलग है, के पेपर अलग हो रहे, रिजल्ट अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं। क्यों ना हम अपने एजुकेशन को ऐसा कर दें कि सारे बोर्ड का एग्जाम एक साथ हो, उसके रिजल्ट को भी हम एक साथ दिखाएं। और किसी भी कंट्री का एजुकेशन तभी डेवलप हो पाएगा जब उसके प्राइमरी एजुकेशन बेहतर हो। हायर की तो बात होता है, जब मेरा बेस ना हो तो कहीं ना कहीं हम प्राइमरी एजुकेशन को ठीक है आप साइकिल दे दीजिए, चावल दे दीजिए, खिचड़ी दे दीजिए खाने के लिए, और आपका स्कूल के किसी सब्जेक्ट का टोटल टीचर ही गवर्नमेंट स्कूल में ना हो या कोई सीनियर हो, पहले कहीं ना कहीं अपने देश को बेहतर बना। ऐसा नहीं है कि हम अपने देश की शिकायत कर रहे हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं और अपने देश पर काफी गर्व करते हैं कि मैं ये तो कि हर जन्म में हमारा जन्म हिंदुस्तान में ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहूंगी एक यूपी जैसा छोटे छोटा कंट्री कहां डेवलप कंट्री में जा चुका है जहां की जनसंख्या बहुत सारे देशों की तो हमारे यूपी से भी कम है।
हाँ कहीं ना हाँ कहीं हम अपने एजुकेशन को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, और जिस दिन देश की शिक्षा नीति एक समान हो जाएगा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक समान होगा, और उसके हाँ बाद की हम बात करेंगे, प्राइमरी के बाद हायर एजुकेशन की बात करेंगे। आखिर क्यों हमारे देश, हम कब कहेंगे कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई भारत का था, IIT खड़गपुर से पढ़कर तो और जाकर स्टैनफोर्ड से पढ़ा। कहने का मतलब है कि आपके आपको हायर एजुकेशन पर भी ध्यान देना, आपके लैब बेहतर होने चाहिए, अपने देश की प्रतिभाओं को आपको आपको सम्मान देना पड़ेगा, आपको प्रतिष्ठा देना पड़ेगा, आपको उसको पकड़ कर रोकना पड़ेगा कि आप विदेश ना जाए, आपको सारी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम देंगे। और दीदी मैं बता रहा हूँ, देश में ऐसी जी प्रतिभाएं हैं कि उनकी एक फौज और उनकी एक टीम को तैयार किया जाए तो इस देश से बढ़कर एक रिसर्च ऐसे होंगे, ऐसे शोध होंगे कि पूरी दुनिया इसका लाभ लेगी। लेकिन रिसर्च कहीं ना से कहीं इसी बात से रिलेटेड एक जी प्रश्न अभी अभी माइंड में आ गया और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई बार स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे साक्षात्कार चल रहा है, मेरी आपसे बातचीत चल रही है। आप मैथमेटिक्स के गुरु हैं और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और आपके बच्चे इस समय बड़े बड़े पद पर भी होंगे और पढ़ाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आरके भैया, सालों से कोई भी बड़ा रिसर्च अपने देश में क्यों नहीं हुआ? ये बच्चों का ड्रॉबैक है या क्या हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं बन पाई है? क्यों कोई बड़ा रिसर्च में भारत का नाम नहीं आ रहा? देखिए, इसमें बच्चों की तो कमी नहीं है, ये सिस्टम की कमी है। और एक कैसे? हमारे देश में ऐसा बन चुका है, इसी पर मैं कि पहले तो बच्चे के पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो नौकरी जल्दी पाए, जल्दी नौकरी पाए, उसको उसको बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, या कोई भी, मतलब या IIT हो, मतलब उसको गवर्नमेंट जॉब। आपको मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक एक लड़का एक IIT कर किया, वो बीटेक किया, बीटेक करने के बाद वो जॉब करने लगा, वो आगे का MTech नहीं कर पाया, वो आगे का PhD नहीं कर पाया। तो जो लड़का IIT देश, क्योंकि UPSC करने में तो एक एज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन IIT 10+2 में IIT मेडिकल को बोला जाता है देश देश के सबसे कम उम्र का सबसे बड़ा कंपटीशन बोला जाता है, क्योंकि लड़के अभी 12th में बच्चे होते हैं। तो जो 10 से 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट बहुत कम दिया है, और उस एग्जाम को निकाल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि बीटेक के बाद अब उस पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है, रिलेशन का भी प्रॉब्लम है कि जल्दी वो जॉब करे, जबकि फॉरेन में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डेवलप कंट्री में है कि कहीं ना कहीं एम का तो डिग्री जरूर लेना है। अब किसी में है तो आप बीटेक, मतलब एम लगना चाहिए या थोड़ा सा आगे PhD तो जरूर करना चाहिए। तो हमारे यहाँ के हायर एजुकेशन के तरफ जाने वाले लोगों की संख्या 1% से भी कम है, 1% से। देखिए, कोई गरीबी के कारण ना पढ़ा वो अलग विषय है, लेकिन जो संपन्न होते हुए भी हायर एजुकेशन ना पढ़े तो ये दुर्भाग्य की बात है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि कोई IIT किया, और हमारे अभी इसरो के चेयरमैन सीवन सर की मैं बात कर रहा हूं। सीवन सर बीटेक IITian नहीं थे, लेकिन वो PhD जाकर IIT मुंबई से वो किए। आप बताइए कि PhD IIT मुंबई से वो किए, और जो बीटेक किया था IIT से, उनके अंडर में हजारों खट रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वो जाकर PhD कर लिए और आप IIT से बीटेक किए, लेकिन वो तो चेयरमैन हुए वहां के, वो डायरेक्टर, मतलब बड़े पोस्ट को वहां पर उन्होंने ग्रहण किया। तो कहीं ना कहीं देख, IIT खड़गपुर से सुंदर पिचाई ने पढ़ा, तो क्या IIT खड़गपुर से केवल तो गूगल का सीईओ हो जाते? मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं कि सुंदर पिचाई से कितने लोगों का रैंक बहुत आगे आया था, तो सुंदर पिचाई ही क्यों गूगल का सीईओ हुए? कहीं ना कहीं आगे जाकर उन्होंने पढ़ना स्वीकार किया, एट ए टाइम ये नहीं है कि अब जॉब कीजिए, हम आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। तो जो कि आप जितने भी हायर एजुकेशन को ग्रहण करें,
आप कम से कम एम डिग्री एम एम लगा दे और संपन्न हो पीएचडी करें, एकदम ऐसा होगा। और गवर्नमेंट को भी है कि उस टाइप की लैब की फैसिलिटी, उस टाइप की प्रोफेसर को सुविधाएं दे, क्योंकि हमारे कंट्री में प्रतिभा की कमी नहीं है। आप देखिएगा नासा में भी जाकर देखिएगा तो नासा में मैक्सिमम इंडियन है, तो क्यों आखिर वो नासा में है? आप अपने यहाँ उस लैब को, उस रिसर्च सेंटर को, अभी मेरा स्टूडेंट है आप को मैं व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीजों को मैं भेजते भी रहता हूँ, चैतन्य है जो जो जो, जो चैतन्य है जो कृत्रिम जो ब्रेन पर वो क्या कर रहा है कि रिसर्च कर रहा है। जी, तो वो चैतन्य एक छोटे से ग्रामीण परिवेश के गया का स्टूडेंट है और हमें पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है, तो उसमें का सीनियर हो बच्चा। तो अब बताइए आईआईटी दिल्ली से पढ़ने के बाद उसको भी जॉब लग रहा था, उसको भी जॉब लगता, लेकिन उसको इंटर्नशिप मिला और उसके बाद उसको फिर जापान का मौका मिला, उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड का फिर मिला और उसको ज्यूरिख जाने का मौका मिला और वहां से रिसर्च पर वो काम कर रहा है। तो अब होगा कि चंद लाख के लिए आपको नौकरी मिलेगा, तो नौकरी करने वालों की संख्या में एक मिलेगा कि भाई इतना रैंक आया, ये बहुत सारे सैकड़ों हजारों नौकरी करते हैं, लेकिन कोई एक बड़ा शोध कर देता है तो जब तक ये पृथ्वी रहेगा, न्यूटन हो, आइंस्टीन साहब हो, रामानुजम हो, हमारे वशिष्ठ नारायण सर हो, चाहे देश की जितनी भी प्रतिभा हो, कलाम साहब हो, इनको जुगो जुगो तो कोई भूलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वहीं पर अब उसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक एक क्या होता है कि केवल गवर्नमेंट को ही हम नहीं बोल सकते, हम लोगों को एक सोशल ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि कब कब हम कहेंगे चाइना ने ये किया, रशिया ने ये किया, ऑस्ट्रेलिया ने ये किया, यूएसए ने ये किया, क्या मेरे ब्रेन से वो ब्रेन बेहतर है? मेरे यहाँ के ही प्रतिभा को ले जाकर अपने कंट्री में रख ले रहा है और हम चुप। बिल्कुल हम चुप नहीं। आरके भैया एक बात मुझे और यहाँ पे बताइए, इसी बात से रिलेटेड ये बात है, क्या हमारे देश में किसी चीज की कमी है? हर चीज साधन है, क्यों आज भी बच्चे या जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड बच्चे होते हैं क्यों उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाना चाहते हैं कि मैं वहां जाके हायर एजुकेशन वहां से प्राप्त करूंगा? इसका जिम्मेदार है कौन? ऐसा उनका माइंड डेवलप होता क्यों जा रहा है? सारा जो क्रीम होता है अपने देश का वो तो बाहर भागने की सोचता है कि भाई मेरे को बाहर जाके ही अपनी हायर एजुकेशन लेनी है। अपने देश में, अपने भारत में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो जिम्मेदारी इस चीज का जिम्मेदार है कौन? ये जिम्मेदारी में एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग एक मैथमेटिक्स में एक छोटी सी बात बोलेंगे कि हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बोधायन जी, जो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को उन्हीं का देन है प्रूफ किया जी। लेकिन अच्छा, अच्छा, हुआ कि लेकिन विदेशियों ने क्या किया, विदेशी मैथमेटिशियन ने कि उन्होंने क्या किया कि अब पाइथागोरस ने उसको प्रूफ किया और इतने उनकी पॉपुलैरिटी कहिए, मीडिया कहिए या लोगों का समूह को एक चेन सिस्टम कि आपका बोधायन सर ने इस थ्योरी को प्रूफ किया और नाम शोहरत से पूरा विश्व जान रहा है। यहाँ तक कि हम इंडिया में बोलते हैं कि पाइथागोरस का थ्योरम, अरे बोधायन का थ्योरम क्यों नहीं बोलते हो भाई? आप अपने संस्कृति को, अपने वेद को, आप सब चीज को देखिए, उनके रिसर्च का डेट और इनका डेट देखिए, ये पहले इस पाइथागोरस थ्योरम को ये प्रूफ कर चुके थे, उसके बाद पाइथागोरस का, तो जो बाद में किया उसका नाम पूरा विश्व जान रहा है और हम किए तो विलुप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ये कमियां है कि हम अपने लोगों का श्रेय भी ये दूर तक नहीं पहुंचा रहे हैं और हमारी नकल करके दूसरे लोग उसको कि वहां से उस चीजों को कॉपी पेस्ट भी एक तरह से आप बोल सकते हैं उठाकर और ये बोल दिए कि इसका शोध मैंने किया। तो आप अपने लोगों की प्रतिभाओं को, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो फॉरेन के डेवलप कंट्री के प्रतिभा बीमार होते हैं तो उनकी इलाज हो जाती है और इलाज के बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाते हैं। आपके यहाँ क्या भाई, आपके यहाँ इतने बड़े मैथमेटिशियन रामानुजम साहब टीबी की बीमारी से गुजर गए, चलिए ठीक है भाई, टीबी का उस समय का उस युग में इलाज न आना ये चलिए मान गए। अभी सब कोई जानता था
बशिष्ठ नारायण देश के बहुत बड़े मैथमेटिशियन, जिनको मीडिया ने दिखाया कि उनको गुजरने के बाद कोई एम्बुलेंस नहीं, उनके लाश को बाहर पटना पीएमसीएच के बाहर फेंका गया था। 40 साल तक वो पागल की तरह जूठे खाते हुए मिले थे। तो ये बताइए, देश का दुर्भाग्य है। अब इससे बड़ी बात एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, उससे आप सहमत होइएगा। मरणोपरांत उनको पद्मश्री मिला, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मरणोपरांत उनको पद्मश्री मिला, मीडिया में आया और बहुत लोग जो बॉलीवुड के लोग हैं उसको ट्वीट किए, ये किए, बहुत सारी चीज उन पर बनेगी ये सब, और वो विलुप्त हो गए थे। ठीक, यदि वो जीते जी यदि पद्मश्री मिलता तो भारत की मेडिकल सिस्टम का पोल खुल जाता कि इतने विद्वान की इस बीमारी से आज तक इलाज क्यों नहीं हुआ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी बात कह दी आपके भैया ने, बहुत बड़ी बात है कि मरने उपरांत कोई भी पुरस्कार नहीं होता है, जीते जी पुरस्कार दिया जाता है, उसी इंसान को दिया जाता है जिसने वो मेहनत की होती है, जिसने वो हार्डवर्क किया होता है, जिसने वो कर्म किया होता है। बहुत बढ़िया, हैट्स ऑफ भैया, मेरी तरफ से आपको हैट्स ऑफ। इसमें दीदी जी भैया, यदि जीते तो लोगों को जो नहीं जानते हो गए थे कि आखिर ये कौन सी बीमारी थी कि 40 साल से इनका देश का मेडिकल सिस्टम ऐसा है कि एक को इलाज भी नहीं कर पाया। तो अब क्या था कि तो वो चले गए और क्या हुआ उसके बाद, देखकर खाना पूर्ति कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो ये नहीं बोल रहा, मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि हर बार मेरा जन्म हिंदुस्तान में हो, लेकिन कब हमारे देश में ये कब चलते तो इसके लिए आरके भैया, इसके लिए सोच जिम्मेदार है या सभ्यता जिम्मेदार है? इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है, सभ्यता या सोच? सोच, सभ्यता और संस्कृति और हमारा समाज, ये सबको हम लोग मिलाकर चलेंगे कि कहीं ना कहीं हम दूसरी संस्कृति को हम कह रहे हैं कि वो सर्वोपरि है। क्योंकि देखिए, मैं जब एक चीज बोलूंगा कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में बहुत अंतर है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो विदेशियों की सर्वश्रेष्ठ को हम लोग सर्वोत्तम बता दे रहे हैं, हकीकत में हमारा देश सर्वोत्तम है और वो लोग सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं लेकिन हकीकत में हमारी प्रतिभाएं सर्वोत्तम है। और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में उतना ही का अंतर है जितना कि असफलता और सफलता में अंतर होता है। अब हम लोग समझ नहीं, आदमी सर्वश्रेष्ठ को कह देता है कि यार बहुत बड़ा, सर्वश्रेष्ठ नहीं, हम सर्वोत्तम, क्योंकि हम राम के वंशज हैं और राम के वंशज क्या होते हैं, किसी भी रिसर्च, किसी भी शोध को एक ईश्वरीय शक्ति मिलती है। रामानुजम साहब का भी कोई पढ़ता है तो क्या था, उनको मैथमेटिक्स फॉर्मूला माता रानी से आता था, वो बहुत बड़े स्कूल और ये सब नहीं थे लेकिन ऐसे ऐसे शोध देते गए, लेकिन लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 31 से 32 साल तक ही जिंदा रहे। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं तो जिंदा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दुर्भाग्य देश का है जी, बहुत दुर्भाग्य। 70 से 80 तक वशिष्ठ नारायण जी जिंदा रहे, जीवित रहे, तो 30 से 35 साल तक उन्होंने काम किया और 40 साल तक एक पागल की तरह कहिए या उनका इलाज नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य ये सब चीजों का। जी बिल्कुल, तो ये जी, कहीं बिल्कुल। सबको मिलकर एक सरकार को ही नहीं, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। तो यूथ जो जनरेशन है, और मैं मीडिया वर्ग को भी बोलूंगा कि ये गर्व के साथ आप मत लिखिए कि ये भारत के बच्चे का फ्रांस में सिलेक्शन हो गया इस इंस्टीट्यूशंस में, अमेरिका के exactly. ये गर्व से मत लिखिए, ये बोलिए कि तुम लोग को ऐसी सुविधाएं, मैं इतना प्रेशर बनाया जा रहा है जो चौथा स्तंभ है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस पहले डेवलप है उसमें लैब प्रोफेसर उसकी सारी सुविधाएं दी जाएंगी और जो वहां सुविधाएं हैं उससे कम कई गुना अधिक सुविधाएं देना पड़ेगा। और ये विश्वास उन टैलेंट को आपको जीतना पड़ेगा, तो एक दिन कहीं ना कहीं वो भी रुकेंगे और जब हमारी ही प्रतिभा जाकर दूसरी जगह दिखा दे रहे हैं कि होता है कि भाई ये रिसर्च हो सकता है। अभी एक आप सुने होंगे कि 12 साल का एक हमारे बिहार का भोजपुर का लड़का है सत्यम, देश का पहला लड़का है जो 12 साल की उम्र में आईआईटी किया है, देश का पहला स्टूडेंट है। जी जी जी, आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद वो फिर फॉरेन गया। क्या मेरे यहाँ पीएचडी
आखिर मैं दो चार एग्जाम्पल, वैसे हजारों एग्जाम्पल है, तो ये कहने का क्यों उस लेवल का रिसर्च शोध पीएचडी करने के लिए हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन के जो 1 to 10 यूनिवर्सिटीज है उसमें वो जाना क्यों पसंद कर रहे हैं? तो अपने अपने को 1 to 10 में तो पहले लाकर दिखाइए। एग्जैक्टली बिल्कुल एक बात सही है। यहाँ पे संस्कृति से बात एक क्वेश्चन प्रश्न आ रहा है दिमाग में, मैं आपसे साझा करना चाहूंगी, उसका सवाल का उत्तर आप दीजिए। देखो आरके भैया, हमारा देश, मेरा भारत, आपका भारत किस चीज के लिए फेमस था? जैविक खेती के लिए, है ना? हम लोग ऑर्गेनिक खेती किया करते थे, और अब धीरे धीरे भारत किस ओर चल चुका है? रासायनिक खेती की तरफ। तो धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैविक खेती जो है बिल्कुल लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ही भारत में, ऐसा क्यों हो रहा है? जिस चीज के लिए हम लोग दुनिया भर में माने जाते थे, जाने जाते थे, वही हमारे देश से अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है चीजें। आज हमारा देश भी रासायनिक खेती की ओर चल पड़ा है। हमारे देश के भी किसानों को ये चाहिए कि ये फसल इतनी जल्दी हो जाए, ये फसल इतनी जल्दी हो जाए। क्या आपको लगता है ये ऐसा सही है? क्या क्यों होता जा रहा है ये? आपको नहीं लगता देश कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाता जा रहा है? इसमें भी वही पॉइंट पॉइंट जो मैंने एजुकेशन का किया, वही चीज जैविक खेती में वही परचा, वही जो फॉरेनर की पॉलिसी जो है, जो यहाँ चला है फूट डालो शासन करो यहाँ, उसी टाइप की पॉलिसी, और इंडियन ने स्वीकार भी किया है। लेकिन एक हमारी स्थिति ऐसा रहा है कि ये हुआ कि हम लोगों में एक बुराई से कई गुना अच्छाई की परसेंटेज अधिक है, तभी आज तक हमारी सभ्यता संस्कृति बची हुई है और कहीं ना कहीं इसे दूसरे लोग अपना रहे। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा फिर से प्रचारित किया गया कि रासायनिक खेती से उत्पादन अधिक होता है, जो विदेशों में जो खेती होता है उससे प्रॉफिट अधिक होता है। एक दीदी मेरे को एग्जाम्पल बताई, जब जैविक खेती होता था तो भारत में कितने कैंसर के हॉस्पिटल थे, कितने लोग बीमार होते थे उस समय? कैंसर का मुझे नहीं लगता उस समय मुझे नहीं लगता कि कैंसर का ज्यादा नाम ही लिया था। नहीं, मुझे तो लगता है होते ही नहीं थे कम, नाम मात्र। बीमारी भी नहीं, आज बीमारी का सबसे बड़ा ये जो एक तरह से रासायनिक खेती हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जहर खा रहे हैं, बिल्कुल जहर। और देखिए प्रचारित किया उस समय की सत्ता बोल सकते हैं, उस समय का जो भी बोल सकते हैं, कि प्रचारित किया गया कि रासायनिक खेती से लाभ अधिक होता है। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े मतलब कि ऑथर थे, और वो जैविक खेती पर धर्मपाल साहब का उन्होंने मतलब बाई रिसर्च ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने रिसर्च के द्वारा धर्मपाल साहब ने लिखा है कि जैविक खेती रासायनिक खेती से 2.5 गुना अधिक फसल उससे उत्पादन होता है, उन्होंने उसका रिसर्च दिया है। और उस रिसर्च उन्होंने आंकड़ा से दिया है कि इससे 2.5 गुना अधिक उत्पादन होता है, उससे एक क्या होता है कि शारीरिक जो है लाभ भी बहुत अधिक है। ये मेरे को एक एग्जाम्पल बताइए, ये बताया गया कि जमीन में कीटनाशक ये सब नहीं डाला, रासायनिक चीजें नहीं डाला जाएगा तो उत्पादन नहीं होगा। ऐसा मतलब ऐसा बोला गया, तभी तो होगा कि उत्पादन नहीं हुआ तो रासायनिक भाई खेती कीजिए। तो मेरे को ये बताइए कि उत्तराखंड में जंगल है तो उतने पेड़ पौधा कहाँ से आ गया? क्या विदेशियों ने वहां कीटनाशक और रासायनिक डालने आए थे क्या? उत्तराखंड में उतना पेड़ पौधा कहाँ से आ गया? सही बात है। आखिर मेरी जमीन खराब है उनके द्वारा है कि आखिर रासायनिक चीजों को आप नहीं डालिएगा तो आपका कहने का मतलब है कि आपका उत्पादन कम होगा। तो आखिर भारत में उतने जो जंगल है, उतने पेड़ हैं, पौधे हैं, तो वहां कौन कीटनाशक डालने आता है? इसका मतलब है कि हमारी जमीन इतनी बेहतर है तभी तो उतने जंगल है हमारे उत्तराखंड में या बहुत जगह हमारे देश में। तो ये जो गलत प्रचार किया गया, आज के आपको युग नहीं बता दे रहे हैं, जो सिंपल है कि जैसे आज सोशल साइट्स और है, यदि किसी गलत प्रचार को किया गया तो सत्य से कई गुना अधिक फैल जा रहा है, सत्य से कई गुना अधिक। सही बात है, बिल्कुल। आज देखिए फिर से
धीरे धीरे सबको जैविक खेती की ओर लौटने आ रहा है, क्योंकि सबकी एक तो आयु कम है और आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने जीवन का मैक्सिमम पैसा आप हॉस्पिटल में दे रहे हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है यही आप जो जहर खा रहे हैं रासायनिक खेती का। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो आज तो बदल का दौर है, आप धर्मपाल साहब के यहाँ रिसर्च को पढ़िए, अपने जैविक खेती के जो भी मापदंड हैं, और उन किसानों को भी, क्योंकि हमसे तो बहुत अधिक बड़े बड़े जो किसान होंगे जो हमारे, और इसको हम लोग जैविक खेती नहीं बोल सकते हैं, ये हमारी पुरखों की खेती थी, हमारे दादा परदादा की खेती, यदि जैविक खेती ना कहकर ये हम लोग बोल दें कि ये हमारी पुरखों की खेती है, और ये हमारी पुरखों की खेती, ये बताइए कि हमारी पुरखों की खेती में 80-90-100 साल तक लोग जीते थे या उससे अधिक भी सुनने को मिलता था। तो रासायनिक खेती में कि देश की मैक्सिमम जनसंख्या 60 से 65 में खत्म हो जा रहे हैं, 65 से 70 में तो बहुत, जो नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, 60 साल है, मैक्सिमम 60 साल है जो अभी की जनसंख्या की एज है वो मैक्सिमम 60 साल है, और जो पिछला वक्त हुआ करता था उसमें 100 को भी पार कर लिया करते थे, वो हमारी पुरखों की खेती थी सर। तो आपको वही बोल रहे हैं कि एजुकेशन को या कृषि को या किसी सेक्टर को लीजिएगा तो एक प्रोपेगेंडा फूट डालो या प्रचारित करो, उसी के तहत हम अपनाते गए और मेरी अच्छाइयों को नकल किया और हम अपने प्रतिभाओं को मान न दिए, सम्मान न दिए, और वो क्या किया कि उसी आपका नकल करके उसी रिसर्च और उसी शोध को वहां पर करके रिसर्च पेपर में उसको पब्लिश कराकर और अपना श्रेय ले लिया, सब भैया मुझे एक बात बताओ भैया, मेरा हमारा जो भारत है मुझे लगता है कि एक ऐसा एकमात्र देश है जिसमें ज्यादातर ऑलमोस्ट जातियां रहा करती हैं, ठीक है, आपको कहाँ तक लगता है कि ये जातिवाद हमारे देश के विकास में रोक कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बाधक है, क्या सही बात है कि जातिवाद बाधक है हमारे देश के विकास में? ये इसमें दो पहलू हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश की में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग हैं, ये एक खूबसूरती है, इसमें तो बिल्कुल है कि ये एक खूबसूरती है। लेकिन क्या है कि आप एक हाईली एजुकेटेड को, मैं अपने बिहार की बात कर सकता हूँ, यूपी के या ऑल ओवर इंडिया की बात कीजिए, मैक्सिमम जगह वो चलते हैं, एक हाईली एजुकेटेड बंदा आया और वो और उसको एक चुनाव में हम लोगों ने खड़ा कर दिया जी, और मैं थोड़ा सा उस चीजों को ध्यान को गौर करना, उस जगह पर मैं चुनाव में खड़ा किया गया जहां से उसकी जाति वहां के मैक्सिमम परसेंटेज से थी, एक हाईली एजुकेटेड खड़ा हो गया, और एक क्रिमिनल जो है उसी जाति का खड़ा हो गया जहां की परसेंटेज अधिक है, वो क्रिमिनल चुनाव जीत नहीं रहा है, जीत रहा मतलब कई पीढ़ियों से जीत रहा है, ऐसे एग्जांपल मेरे कंट्री में देखने को मिल रहा है, और एक हाईली एजुकेटेड जो है आ रहा है। तो आप बताइए कि आपका देश कैसे ग्रोथ करेगा, एक ये पॉलिसी, एक मतलब एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आइए, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट जाति का एक बात किया, अब एक समान जाति के लिए मैं बात कर रहा हूं, हम अपने घर की बेटियों बेटी की शादी के लिए अपने कास्ट के किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो कह रहा है कि 10 से 15 लाख मेरे को दहेज चाहिए। एग्जैक्टली एक अलग जाति मैंने चुनाव से दिया और एक शादी से भी दे रहा हूं, अब बताइए कि जब एक जाति हुए तो हम तो भाई हैं, तब इसका मतलब है कि यदि जाति एक समान है तो भाई अब 15 लाख रुपया क्यों, और ये बात इस नौकरी पर है तो ये चाहिए, इस नौकरी पर मैं तो बहुत सारे पत्रिका में भी मैं देखा हूँ, यूपीएससी तो इतना, आईआईटी तो इतना, डॉक्टर आप भी इसको पढ़े होंगे बहुत, तो कहने का मतलब, तो ये बताइए कि मतलब ये एक रेंज हो गया, नहीं मैंने पढ़ा है लेकिन मेरे पति ने 1 भी रुपया नहीं लिया नहीं, मैं वो मान लीजिए उसकी परसेंटेज जो है हाई सोसाइटी में जाकर कम हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की अधिक जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में हो रही है, ग्रामीण परिवेश में दीदी बिना दहेज के शादी 99% नहीं हो रहे हैं,
सही नहीं हो बात रहे है, हैं। एग्जैक्टली आई एग्रीड, बिल्कुल ये सही बात है। तो इसका जिम्मेदार भैया पूरा नहीं, ये तो सोच, मैं तो ये यहाँ पे तो ये बात कहनी बिल्कुल एकदम सच होगी कि ये तो मानसिकता ही लोगों की बन चुकी है ना। इसमें तो पूरा जो है, देखिए हाँ शादी अगर वो हो रही है तो बिल्कुल परिवार पहले, मेरा बेटा अगर आईपीएस है तो इतना लेना है, इतनी पेटी ली जाएंगी, दिस एंड दैट, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरा समाज है भैया, है ना। और ये तो यहाँ पे तो पूरी एक सभ्यता को बदलने की बात है। ये बहुत बहुत ही एक मुश्किल काम है, एक टफ काम है कि, और ये दुर्भाग्य, मैं ये कहूंगी कि देखिए मुझे यहाँ पे एक चीज और कहना, मैं जायज समझूंगी, जितना लेने वाला इस चीज में क्राइम कर रहा है उतना देने वाला उससे ज्यादा बड़ा क्राइम कर रहा है। बहुत समझ के अगर आप उतना ही अगर उस लड़की को नहीं करना चाह रही है तो वो लड़की का FD बनवा दो, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर देखिए जबरदस्ती, फिर तो यही है ना, झोंकने वाली बात हो जाती है कि भाई आप 20-25 लाख लगाकर भी उसको जिंदगी भर की खुशी ना दे पाए और बाद में भी पता चलता है कि लड़की जल गई, तो इससे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात ही नहीं है ना भैया। ये तो सोच लोगों की सोच है, समाज की सोच है। बिल्कुल, देखिए समाज के द्वारा ही हम लोग समाज को बदल सकते हैं। यदि हम लोग हाँ कहेंगे कि कोई गवर्नमेंट, जैसे मेरे यहाँ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ये किया है कि मतलब कि दहेज जो लेगा तो वो कानूनी रूप से वो अपराध है, लेकिन ये हाँ बताइए कि मेरे को जाकर गवर्नमेंट जॉब में शादी करना है अपने घर की बेटी को, और वो कह रहा है कि भाई हम दहेज लेंगे, तो हम ये थोड़े नहीं बताते कि ये दहेज लिया कानूनी अपराध है, हम छुपे से उसको कैश पैसा भी दे दे रहे हैं, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि मेरी बेटियां एक अच्छे घर में जाए, जाहिर लेकिन सी बात है। सरकार एक आईना दिखा सकता है, लेकिन समाज के द्वारा ही समाज को बदला जा सकता है। समाज के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मेंटेलिटी, जब तक समाज की मेंटेलिटी नहीं बदली जाएगी, क्योंकि देने वाला, मुझे लग रहा है लेने वाला तो खैर जुर्म कर ही रहा है, लेकिन देने वाला तो उसको और बढ़ावा दे रहा है ना। क्योंकि जो आदमी अपनी बेटी को दाल आटे की तरह बोझ समझ के उसको ले, इतना दे दिया और मैंने आगे दे दिया, उसके बाद भी लड़की जिंदा नहीं बचती है, तो ये दुर्भाग्य पूरे और पूरे समाज का है। और ये तब उनकी, जब आंखें उनकी तब खुलती है जब बहुत देर हो जाती है, तो इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होकर आगे बदलना पड़ेगा, और वरना नहीं बदलेंगे तो जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उसी ट्रैक पर हम लोग चलते रहेंगे। भैया एक प्रश्न मुझे यहाँ पे बताइए, चलते चलते अब क्योंकि समय की अपनी एक सीमितता होती है, मुझे एक प्रश्न बताइए, जितने भी सोशल साइट्स हैं, गूगल है, ट्विटर है और जितने भी हैं FB हैं, उसमें भारत ने एक अपना क्यों नहीं अपना मकाम एक अलग स्तर पे बनाया? आपको नहीं लगता भारत का एक अलग मकाम होना चाहिए उसपे? आज भी जो है विदेशी कंट्रीज ही भारी हैं सोशल साइट्स पर। जी बिल्कुल, ये तो वही है कि जैसे यदि मेरे देश में वो हुआ रहा था, तो अभी देख रहे हैं कि ट्विटर ने क्या किया था कि कुछ जी अपमानजनक चीजें, ये ऐसा किया था, तो जो भारत की सरकार थी, ट्विटर को एक मेल किया, एक पत्र लिखा, तो ट्विटर को माफी हाँ मांगना पड़ा। जी तो जी इसका मतलब है कि वो ऐसी क्या है कि वो जब भी चाहेंगे तो अपनी एजेंडा आप पर थोप सकते हैं, जब भी चाहेंगे, हाँ क्योंकि आपकी चीजें उनके हैंड में है। अब मान लीजिए कि हाँ फेसबुक है, तो फेसबुक वही उन्हीं लोगों से संचालित है, ट्विटर उन्हीं लोगों से है, तो फिर वही जी बिंदु आता है कि मेरे मेरे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। चलिए अभी मेक इन इंडिया है, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ने ये कर रहा है कि अपने प्रतिभाओं को कहीं ना कहीं एक मंच मिल रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि रंजीत डिसले, एक भारत के बहुत ही महाराष्ट्र के एक शिक्षक, जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड को जीता और क्यूआर कोड से बुक को कनेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं हाँ आप प्रतिभाओं को सपोर्ट कीजिएगा, उनके मीटिंग हाँ को गवर्नमेंट सुने, वो मेल करें कि मैं वो यदि मेल करें या कुछ आपको फैक्स भेजे कि मेरे पास हाँ कुछ ऐसा प्लान है कि मैं आपको आप तक प्लान को, तो उन बच्चों को सुनना है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई हाँ मेल किया, तो उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको उनको आप बुलाइए, उनको बातों को, एक हाईली एजुकेटेड जो भी उस सेक्टर से है उनके टीम को बैठा कर उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि तो हम लोग भी हाँ कहीं बिल्कुल जाते हैं तो गवर्नमेंट, जैसे मैंने एनसीईआरटी के 11th की मैथमेटिक्स के लिए मैंने ये किया कि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट बुक्स का क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों प्राइवेट बुक का यूज कर रहे हाँ हैं,
गवर्नमेंट की नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की, देखिए 10th का एनसीईआरटी अच्छा है लेकिन 11th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स ऐसा हो चुका है कि आप बताइए कि मेरे को कंप्लीट नंबर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर उसमें ना थ्योरी है ना आर्गन प्लेन का डिस्कस है, आपको सर्कल चैप्टर पढ़ना है, टेंजेंट नॉर्मल पोल पोलर को कहीं ना कहीं अब कोई आपको राष्ट्रपति महोदय से जो रामनाथ कोविंद साहब से हमने एक लेटर भी दिया, बातों को उन्होंने सुना, अब है कि उस बुक में चेंजिंग हुआ नहीं है, बुक में चेंजिंग हुआ नहीं है लेकिन बातों को उन्होंने बहुत प्रेम से सुना था। तो हम मेरे कहने का मतलब है कि आखिर प्राइवेट, अब इसको अब अलग तरीका मानिए कि आखिर क्या है प्राइवेट सेक्टर अब की एक लॉबी है जो गवर्नमेंट पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसा क्या चीज है। तो मेरा का नाम फेसबुक है ट्विटर है, आज आखिर बताइए गूगल को, गूगल के आगे की चीजों को और मॉडिफाइड करके आपकी भारतीय प्रतिभा सुंदर पिचाई ने और आगे बढ़ाया, तो आखिर बताइए गूगल कौन, तो भारतीय, तो भारतीय तो भाई अब गूगल किसका, तो उसको वो भारतीय का नहीं लेकिन सीईओ कौन है, भारतीय है। तो जब वो ब्रेन है तो क्या वो ब्रेन ट्विटर ट्विटर गूगल या याहू जो भी बोलिए, फेसबुक बोलिए या जो भी सोशल साइट प्लेटफॉर्म बोलिए, क्या वो रिसर्च नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रदीप बता रहे हैं कि मेरे इस लेवल की प्रतिभाएं हैं कि जो विश्व रिसर्च के लिए जाते हैं तो वो लोग सैल्यूट मारते हैं वहां के प्रोफेसर। Exactly. हम तो उन बच्चों से, और आपको क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं कि प्रतिभाओं जाने के बाद यदि वो अपने कंट्री लौट कर आना चाहे उसको ऐसा प्रलोभन दिया जाता है कि आपके आपके लाइफ में ये हो सकता है, यहाँ इतने ये चीजें हैं, ये व्यवस्थाएं हैं, कि वैसे प्रतिभाओं का इतना वो लोग आदर करता है कि उसको आने नहीं देता है। सोचिए आपके यहाँ जन्म लिया, बेसिक एजुकेशन से लेकर आईआईटी से लेकर आईआईएम से लेकर या जो भी चीजें हैं, लेकिन वहां पर जब उस टैलेंट को वहां की यूनिवर्सिटीज वहां की गवर्नमेंट देखा तो कहा कि भाई ऐसी प्रतिभा को लौट कर हम जाने नहीं देंगे। तो बताइए जन्म हुआ आपके यहाँ, आप मैट्रिकुलेशन का 10th का पेपर आपके यहाँ दिया, 12th का पेपर आपके यहाँ दिया, आईआईटी दिया, सारी चीज किया, और उसके बाद कहने का मतलब ब्रेन आपका था, ब्रेन आपका था, वहां ऐसा हुआ और फैसिलिटी हुआ, रिसर्च वहां देने लगा, शोध करने लगा, तो कहीं ना कहीं हमको प्रतिभाओं को बिल्कुल इज्जत करना पड़ेगा, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। और सारी बातों को यही है, जातिवाद से आप बाहर निकलिए, आपका एक ही जात हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और मानव, और जिस दिन भारतीय सभ्यता संस्कृति में इंसानियत और मानवता आ जाएगा तो उस दिन अधिक नहीं लगेगा, एक दशक 10 साल के अंदर हमारी भी जीडीपी और हमारे यहाँ भी जो भी होगा, हम लोग कब कब ये कंट्री ये यहाँ से राफेल आया, ये आया, अरे भैया राफेल आया, राफेल के आपके यहाँ ब्रेन नहीं है वैसा वैसा बनाने के लिए, आपके यहाँ तो ऐसा ब्रेन है कि उससे भी ऐसा बड़ा लड़ाकू विमान बना देगा कि मतलब कि दूसरे देश कहेंगे कि भाई मेरे को दे दो। तो बस यही है, अपने प्रतिभाओं को हम लोगों को समाज को भी उसको सैल्यूट करना है, को सम्मान देना है। वन मोर क्वेश्चन अभी माइंड में आया, ये बताइए कि आज का जो युवा है, हमारे देश का जो युवा है, ऑलमोस्ट अपना अधिकतर टाइम जो है सोशल साइट्स पे बिता रहा है, इसका कारण, मुख्य कारण क्या है भैया, बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, अभी चेतन भगत सर का एक कॉलम भी आया था और उस कॉलम में भी ये लिखा गया था कि ये मैं भी दैनिक भास्कर में ही था क्या, तो ये कोरोना पीरियड में ही आया था और अधिक अबाउट आप कहिए कि मतलब वो 10 घंटा से ऊपर, मतलब अपना मैक्सिमम टाइम और फेसबुक व्हाट्सएप मतलब जो भी चीजें हैं एवरीथिंग बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है क्या?
मेरा प्रश्न इसका आपसे मुख्य ये था कि कारण इसका मुख्य कारण क्या है। अधिकतर जो युवा है, युवा अधिकतर क्या, जितने भी युवा, युवा तो खैर है ही, आजकल तो मिड ऑफ एज के भी जितने भी लोग हैं, अधिकतर समय जो है सोशल साइट्स पे बर्बाद करते हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि पार्ट ऑफ द लाइफ है, मोबाइल पार्ट ऑफ द लाइफ है। सर मैंने भी मैं भी टीनेज में थी, मैंने भी स्कूल देखा है, मैंने भी पढ़ाई की है, हमने भी अपने संस्कार देखे हैं। सर आई एम सेइंग यू वन थिंग, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि मैंने अपना बचपन जिया है। मुझे ऐसा पर्सनली आई फील कि ये लोग अपना बचपन या अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल। हम हाँ जी जी भैया, हम जब हमारे मामा मम्मी या हमारे घर पे जितने भी रिश्तेदार आते थे, हम लोग उनके साथ इंजॉय किया करते थे, हम लोगों ने अपनी जिंदगी जी है। आज का जो युवा है वो अपने पेरेंट्स से या इवन कोई भी उनके घर में आ रहा है तो वो ये कह देगा आप लोग प्लीज चले जाइए, मैं कहीं एंगेज हूँ। और वो कहीं एंगेज नहीं होते हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे होते, वो केवल सोशल साइट पे अपना जो भी है अपना समय जो है व्यर्थ का बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इसका मुख्य कारण आज तक मुझे समझ नहीं आता है, ये कौन सा पार्ट ऑफ द लाइफ है कि आप अपनी असली जिंदगी को छोड़ के एक आर्टिफिशियल लाइफ में एंटर करते जा रहे हो। देखिए, इसमें पहले तो एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि कुछ पेरेंट्स मेरे को मिलते हैं, तो जैसे उनका बच्चा 1 साल का हुआ, अभी जन्म लेने के बाद 1 साल का हुआ, तो 1 साल होने के बाद वो अपने बच्चे का प्रशंसा और उसकी टैलेंट, मतलब सारे का सारे मैं बात कर रहा हूँ, अपने बच्चे का टैलेंट ऐसे करते हैं, सर जी मेरा जी बच्चा काफी इंटेलिजेंट है, तो हम पूछे कैसे हाँ, इंटेलिजेंट है, कैसे तो सर इंटेलिजेंट है ये जी। हाँ ये 1 साल का बच्चा आके कैसे इंटेलिजेंट है, तो वो बोलते हैं कि सर अपने आप से वो फोन लगा देता है, अपने आप से वीडियो गेम खेलता है, अपने गर्व के साथ ये बताते हाँ हैं। मैंने गर्व सबका पेरेंट मैंने सबके, अब वो बच्चा कुछ सबका एक कुछ जो 1 साल या 2 साल में 3 साल उतना तेज था, तो जब टेंथ मतलब जो टेंथ का पेपर देने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपका बच्चा क्या किया जो 1 साल में ही वो वीडियो गेम ना 2 साल में खेलता था, वो क्या किया, तो सर 10th में 70% 65 लाया है, वाह जी वाह, इतना विद्वान था 1 साल में तो 65 ला दिया। हाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, तो एक तो उसका शारीरिक बीमारी आंख खराब कर रहे हैं, बिल्कुल खराब कर रहे हैं, और उसका हाँ इतना प्रोत्साहन दे रहे, इतना प्रोत्साहन कि मतलब 5 लोगों का भीड़ है और रिलेशन में भी जा रहे हैं, तो कहते हैं सर मेरा बच्चा इतना है ना कि गजब, मतलब कि वीडियो गेम खेल दे रहा है अभी 2 साल का, और कोई सिखाया भी नहीं है, और अपने मौसी के यहाँ चाची के यहाँ ये बिना बताए हुए खुद से फोन लगा देता है, यही टैलेंट है क्या, तो हाँ तो ये बोले गर्व के साथ तो बताते हैं, बिल्कुल गर्व होता है उन्हें कि मेरा बच्चा जो है 1.5 या 2 साल का है, 2-3 साल का है, और वो गर्व के साथ बता रहे। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बचपन छीना जा रहा है बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल आरके भैया, चल बिल्कुल चलते चलते, क्योंकि समय की अपनी सीमितता होती है। और आज जी बात करते करते, और हम फिर जल्दी मुलाकात यहाँ पे रखेंगे क्योंकि बात खत्म नहीं हुई है, जी बात बहुत लंबी होती है। और क्योंकि आपके साथ बैठने में इस जो बातचीत, ये जो गुफ्तगू मैंने आज यहाँ पर की है, बहुत चीजें सीखने को मिली है। चलते चलते मुझे एक बात बताइए, मुझे नहीं, समक्ष आपके जितने दर्शक हैं उनको बताइए, जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आगे ये चैनल पे भी अभी चलेगा प्रोग्राम, कि सफल बनने की, सफलता की कुंजी क्या है, क्या बच्चों को, क्या युवाओं को करना चाहिए अपने जीवन में सफल होने के लिए। देखिए, मैं यही बोलूंगा, ये आज के आधुनिक युग का बोलिए या पहले से भी, सिर्फ 3 बातों को ध्यान देना है, कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा, बस 3 बातें। क्या बात है, यदि बिल्कुल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका सोच जो है थिंकिंग पावर यदि नहीं है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, हम टॉप तक पहुंच पाएंगे, तो फिर फेलुअर हो जाए। कड़ी मेहनत के साथ आपको ऊंचा सोच चाहिए, और ऊंचा सोच के बाद भी आप बुलंदियों को नहीं पाइएगा यदि आपके पास पक्का इरादा नहीं हो, तो कड़ी क्या बात मेहनत, है, ऊंची बिल्कुल सोच और पक्का इरादा जिनके पास हो, तो यही सत्य है कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। और लास्ट में क्या दीदी, बात है उन जी। देश के गरीब गरीब तबकों के लिए जरूर बोलेंगे जो जीवन से हार मान जाते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे पास ये विकल्प नहीं था, मैं गरीब घर में जन्म लिया तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया, तो उन लोगों के लिए मैं 4 लाइन लास्ट में बोलूंगा कि मुझे यकीन है कि स्वागत है, 60 वर्ष
लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर, दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो जो गरीब तबके के तो उनको जीवन से हार नहीं मानना है। यदि आदमी की लंबाई से ही उसका यदि कद मापा जाता तो इतना छोटा कद का आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। तो बहुत हाइट का लंबा होने वाला तब तो देश का बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया रहता, बहुत रन मार दिया रहता। तो एक छोटा हाइट वाला क्यों किया? क्योंकि उनके पास कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा था। तो आप कद में ही मत सोचिए कि जिनका कद बड़ा है वही करेगा। बस आपको अपने हौसलों और अपने कर्म के साथ विश्वास रखना है और अपने माता पिता को ही और खुद अपना आदर्श मानिए और उनकी जितनी आप इज्जत कर पाए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि उनसे बड़ा भगवान और देवी कोई नहीं है। आप मंदिर मस्जिद जो भी है गुरुद्वारा, ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं है। उनका यदि प्रतिदिन सर पर हाथ है तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही है आर के श्रीवास्तव जी ने। और दोस्तों, सफलता की कुंजी क्या होती है? अच्छा कर्म कीजिए और हौसला जीतता है, हथियार नहीं। संतोष आनंद जी ने ये बात इंडियन आइडल में भी कही थी। और ध्यान रखिए, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कभी भी आपकी मेहनत खराब नहीं जाती है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी चीज में मत पड़िए, केवल फोकस एंड फेस कीजिए, क्योंकि लाइफ जो है एक बार मिलती है और समय निकल जाता है तो कभी हाथ नहीं आ जाता। सोशल मीडिया तो हाथ आ जाएगा, व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई की एक उम्र होती है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि जैसा जैसा आर के भैया ने कहा है उस चीज को फॉलो कीजिए, भैया को फॉलो कीजिए। जल्दी भैया को हम लेके आते रहेंगे, वो अपने सुझाव आपके सामने रखते रहेंगे, उनसे जुड़िए। लेकिन उनके साथ जुड़ने के साथ अपने जीवन में एक आदर्श बनाइए, एक गोल बनाइए कि मुझे जीवन में ये अचीव करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय जय भारत।